हाय जय माता दी, दिस इज़ कविता भक्तियानी। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मसाला समोसा। यस, इसके स्टफिंग मैंने अलग तरीके से बनाई है, सो देखिए ये कैसे बनता है। घर के समोसे के बनी हुई बात ही कुछ और है, सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलो देखते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है और यमी बनता है, सो प्लीज़ ट्राई कीजिए। इसके लिए हमें चाहिए मैदा, अजवाइन, सॉल्ट, घी आटा बनाने के लिए। और स्टफिंग के लिए चाहिए बॉयल पोटैटो, मैश्ड कॉर्न बॉयल, ग्रीन पीस बॉयल, ग्रीन चिल्ली, सॉल्ट, कोरिएंडर, ड्राई मैंगो पाउडर, गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, ऑयल फॉर फ्राइंग। आटे को हमने रेडी कर देना है, उसके साथ अजवाइन, नमक और घी डाल के उसे सुखा अच्छे से हमने पहले मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमने उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के उसका आटा गून लेना है। और मसाले के लिए फिर हमें चाहिए बॉयल आलू, मैश कर दिया मैंने, कोरिएंडर और ड्राई मैंगो मसाला, मैंगो पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, नमक। ये आटा हमारा रेडी हो गया है, साथ ही साथ हमने अपने इसको अभी रेस्ट करने देना है थोड़ा टाइम, और मसाला रेडी करना है। ये पोटैटो का मसाला हमने रेडी कर दिया है, सब चीज़ें मिक्स करके। कॉर्न और जो पीस को हमने बॉईल किया है उसे हमने मिक्सर में पीस लेना है ग्रीन चिल्ली के साथ। और उसके बाद फिर हमने ये दोनों स्टफ़ मिक्स कर देने हैं, इसको स्टफ़ करने के लिए समोसे को। आप अलग अलग दो तरीके से भी समोसे बना सकते हैं दोनों की अलग स्टफिंग से, मैंने दोनों मिक्स करके एक ही बनाया है। और ये हमने बेल लिया है रोटी के जैसा और इसे बीच में कट कर दिया है। हमने थोड़ी सी मैदा और वाटर की पेस्ट बना के रखनी है इसको चिपकाने के लिए, सो इसे बीच में कट करके हमने यहाँ से कॉर्नर से दोनों बाजू से पेस्ट लगा देनी है और इसे इस तरह से फोल्ड करके इसका पॉकेट बना लेना है। फिर हमने इसमें फिलिंग भर देनी है। फिलिंग भरने के अच्छे से तरह फिलिंग भरने के बाद हमने उधर वहाँ पे फिर से पेस्ट लगा देनी है और उसे सील कर देना है और उसे समोसे की शेप देनी है। और इसी तरह हमको हमने सारे समोसे पहले रेडी कर देने हैं स्टफ डाल के, ये देखिए इस तरह से। और फिर हमने इसे फ्राई करना है। याद रखिए जब भी आप पहले समोसा डालते हैं ऑयल में, ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद आप उसको मीडियम कर देना चाहिए गैस को। और ये हमारे डीप फ्राई करने के बाद समोसे रेडी हो जाते हैं। ये बहुत ही यम्मी बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। आटे में हमने घी डाला है इसके लिए इसका बहुत ही स्वाद अच्छा आता है, सो प्लीज़ ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी डिशेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ये समोसा घर में बनाने से बहुत ही स्वाद आता है, बाहर के समोसे से कई गुना बेटर है। सो कीप ट्राइंग एंड प्लीज़ मेरी डिश को अभी लाइक कीजिए देखते देखते, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टिप ऑफ द डे, अगर हमको कोरिएंडर को ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करना है तो पहले उसे अच्छे से पेपर टॉवल पे बिछा के एक कंटेनर लेके उसमें अंदर एक टिश्यू पेपर या पेपर टॉवल डाल के उसे फोल्ड करके हम डब्बे में बंद करके रख सकते हैं, ये थोड़े दिनों तक और ज़्यादा से अच्छे से रहता है। This is Kavita Bhaktiani. I'll be sharing with you many more dishes with some fusion, with some twists. So keep watching. Till then, enjoy.